हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कंकाल के बारे में। ठीक है, तो ये जो हमारे मानव शरीर में कंकाल कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार से पाया जाता है, एक बाह कंकाल और दूसरा अंतः कंकाल। अब बाह कंकाल किसे बोलेंगे, जो हमारे शरीर के बाहरी अंगों का निर्माण करता है, ठीक है, और अंतः कंकाल जो आंतरिक अंगों का निर्माण करता है। जैसे कि बाह कंकाल में क्या क्या जाएगा, बाह कंकाल में क्या क्या जाएंगे, नेल्स और हेयर और एक्सट्रैक्टर, ठीक है, और अंतः कंकाल में बोन्स एंड कार्टिलेज। अब हम इस वीडियो में देखेंगे अंतः कंकाल के बारे में, ठीक है, और अंतः कंकाल में भी हम किसके बारे में, एक सेपरेट टॉपिक बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम जानेंगे अंतः कंकाल के भागों के बारे में, ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे मानव कंकाल के बारे में। मानव कंकाल कितने प्रकार के, दो प्रकार के, अक्षी कंकाल और उपअंगी कंकाल। अब अक्षी कंकाल को हम बोलते हैं, अक्षी कंकाल को हम बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन, और उपअंगी कंकाल को हम बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। यहाँ पे अक्षी कंकाल में कितनी हड्डी होती हैं, 80, और यहाँ उपांगी कंकाल में कितनी हड्डी होती हैं, तो 106। इस प्रकार से मानव में कुल मिला के 206 हड्डियाँ होती हैं। अब हम बात करेंगे अक्षी कंकाल या एक्सियल स्केलेटन की, इसमें क्या क्या होता है। तो खोपड़ी होती है, उरोस्थी होती है, और पसलिया और कशेरुकतंत्र, जिसे हम मेरुरज्जु भी बोलते हैं, या और रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम इनमें किसमें कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी पाई जाती है, 29, उरोस्थी में 1 हड्डी, और पसलियों में 24, कशेरुक में 26। इस प्रकार से अक्षी कंकाल में कितनी हड्डी पाई जाती हैं, 80 हड्डी पाई जाती है। अब हम किसके बारे में जानेंगे, जो अक्षी कंकाल है उसमें हम खोपड़ी के बारे में जानेंगे। खोपड़ी में 29 हड्डी होती हैं, तो ये कहाँ कहाँ पर और कैसे होती हैं उसका देखेंगे हम, ठीक है। तो खोपड़ी को हम क्या बोलते हैं, स्कल बोन, स्कल भी बोलते हैं, ठीक है। उसमें कितनी, 29 बोन्स हैं। अब इसमें कौन कौन सी हड्डी पाई जाती हैं, तो फर्स्ट है क्रेनियल बोन्स, फेसियल बोन, ईयर ओसिकल्स और हायोइड। अब किसमें कितनी हड्डी पाई जाती है, तो क्रेनियल बोन्स से उनमें कितनी हड्डी होती है, ये 8 होती है, और फेसियल बोन 14, ईयर ओसिकल्स 6, और हायोइड होता है 1 हड्डी। तो इस प्रकार से हमारी किसकी हड्डी हैं, ये खोपड़ी की हड्डियाँ हैं। अब बात करें कि हड्डी कहाँ कहाँ होती है, ठीक है। तो ये जो क्रेनियल बोन्स है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, ब्रेन बॉक्स भी कहा जाता है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन, इसके अंदर हमारा ब्रेन होता है। तो हमारी खोपड़ी का जो सबसे ऊपर सिरा होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेनियल बोन्स पाई जाती है वहाँ पे। और फेसियल बोन्स जो चेहरे के भागों में पाई जाती है पूरा, और ईयर ओसिकल्स, तो ये ईयर ओसिकल्स जो कान में पाई जाती है, दोनों कान में 3-3, तो इस प्रकार से ये 6 हड्डी हो गई। और हायोइड पे होती है, जो हमारी जीभ से जुड़ी होती है, ये गले में होती है। अब हम देखें क्रेनियल बोन्स के बारे में, ठीक है। तो क्रेनियल बोन्स कहाँ पर पाई जाती है, ब्रेन बॉक्स में। ब्रेन बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम भी बोलते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो क्रेनियम है वो 8 अस्थियों से मिलकर बनता है। तो 8 अस्थियों में हमारी पहली अस्थि क्या है, या बोन क्या है, फ्रंटल बोन, ठीक है। ये कितनी पाई जाती है, 1 पाई जाती है। जो हमारा माथा होता है ना, ये जो आगे का फोरहेड, ठीक है, यहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ पर कितनी हड्डी पाई जाती है, 1 हड्डी पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रंटल बोन। सेकेंड बोन है पेराइटल बोन, ठीक है। अब ये पेराइटल बोन कहाँ पर पाई जाती है, जो फोरहेड है, फोरहेड के जो ऊपर का हिस्सा होता है, हमारे सिर का ऊपर का हिस्सा, आइट साइड का, ये जो हमने ब्लू कलर से डिनोट किया है, ये हमारी कौन सी हड्डी हो जाएगी, ये हो जाएगी पेराइटल बोन, ठीक है। ये दोनों सिरे में पाई जाएगी। तो कितनी बोन पाई जाती है, 2 बोन पाई जाती है। हमारी थर्ड बोन है टेम्पोरल बोन्स, ठीक है। अब ये बोन कहाँ पर पाई जाती है, ये जो हमारे कान है, ठीक, कान के पीछे की जो हड्डी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, टेम्पोरल बोन्स। ये दो होती हैं, एक कान के पीछे, एक दूसरे कान के पीछे। इस प्रकार से कितनी बोन पाई जाती है टेम्पोरल बोन में, 2 बोन्स पाई जाती है। नेक्स्ट है ऑक्सीपिटल। अभी ऑक्सीपिटल बोन कहाँ पर पाई जाती है, ये जो हमारे पीछे का हिस्सा जो होता है, ये यहाँ पर कौन सी बोन पाई जाती है, ऑक्सीपिटल बोन, और ये 1 ही पाई जाती है। आगे हमारी स्पिनॉइड बोन। अभी स्पिनॉइड बोन होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, जो क्रेनियल बॉक्स होते हैं और उसके जस्ट नीचे पाई जाती है, अंदर की ओर। तो यहाँ पर पीछे से देखें तो हम यहाँ पर, साइड से देखें तो यहाँ पर होगी। नेक्स्ट हमारी एथमॉइड बोन। एथमॉइड बोन भी हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती, ये भी कहाँ पर होती है, जो हमारी नाक होती है, ठीक है, उसके जस्ट पीछे होती है और नीचे की तरफ होती है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि यहीं पे स्पिनॉइड बोन के जस्ट साइड में, उसके नीचे की तरफ होती है। तो इस जो एथमॉइड बोन है वो भी कितनी पाई जाती है, सिर्फ 1 ही पाई जाती है। अब हम देखेंगे सेकेंड फेसियल बोन के बारे में। ये फेसियल बोन कितनी होती हैं, तो 14 होती हैं। इसमें भी फर्स्ट है नेजल्स। ये नेजल्स जो बोन होती है वो क्या बनाती है, ये तो नाक के अंदर होती हैं, 2 होती हैं। और दूसरी है मैक्सिला। मैक्सिला कहाँ होती है, मैक्सिला जो है वो ऊपरी चमड़े का निर्माण करती है। नेक्स्ट है जाइगोमैटिक बोन्स, ठीक है। ये कहाँ पर पाई जाती है, जो आँख के चारों तरफ जो बोन होती हैं, 2 होती हैं,
एक आँख की तरफ इधर, एक आँख की तरफ इधर, इसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोमैटिक बोन। और ये जो मैंडिबल है वो किसका निर्माण करती है, निचला जबड़ा होता है वहाँ पर पाई जाती है, हड्डी एक ही होती है। नेक्स्ट है लैक्रिमल बोन्स, ये कहाँ पर होती हैं, ये हमारी आँखों में होती है और यही किसका निर्माण करती हैं, जो लैक्रिमल ग्रंथियाँ होती हैं उसका निर्माण करती हैं, और जो कि किसका काम करती है, आंसू निकालने का काम करती हैं। नेक्स्ट पैलेटाइन की बात करें तो जो पैलेटाइन बोन्स होती है वो तालू पे होती है, जो जैसे कि कठोर तालू और नरम तालू जो बोलते हैं हम, ऊपरी जबड़े के ऊपर होती है अंदर साइड और नीचे जबड़े के भी ऊपर होती है नीचे साइड में। नेक्स्ट हमारा इन्फीरियर नेजल कॉनकाई, ठीक है। अब ये कहाँ पर होती है, तो ये भी नाक में होती है, नाक में जो अंदर की तरफ छोटे छोटे उभार दिखाई देते हैं उसे ही हम, वही जो हड्डी है उन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्फीरियर नेजल कॉनकाई। ये भी दोनों होती हैं, दोनों नाक के जो मतलब की छिद्र होते हैं उसमें एक एक उपाई जाती है। और लास्ट है वोमर, अब ये वोमर कहाँ होती है, वोमर भी नाक में होती है अंदर की तरफ, अंदर में भी नीचे की तरफ होती है। तो इस प्रकार से थी हमारी फेसियल बोन्स, ये टोटल कितनी है, 14 हैं, ठीक है। और फेसियल बोन कौन सी हैं, जो हमारे चेहरे में पाई जाती हैं, तो इस प्रकार से कितनी, नेसल्स कितनी है, 2, और मैक्सिलर 2, जाइगोमैटिक बोन 2, और मैंडिबल 2, और लैक्रिमल बोन 2, पैलेटाइन बोन 2, इन्फीरियर नेसल कॉनकाई 2, और वोमर 1। और मैंने हमारे लिए सिर्फ इतना है कि अभी हम बेसिक इन जो सारी बोन्स के नाम हैं वो हमें याद होने चाहिए और पता होना चाहिए कि कौन सी जो हड्डी है वो कहाँ पर पाई जाती है। अभी तक हमने क्या देखा, क्रेनियल बोन्स और फेसियल बोन के बारे में, तो हमने क्रेनियल बोन्स के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर फेसियल बोन के। अब हम किसकी बात करेंगे, कर्णअस्थियाँ की, ईयर ऑसिकल्स की। अब ईयर ऑसिकल्स भी कितनी होती हैं, 6 प्रकार की होती हैं। जो कर्ण अस्थियाँ होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ईयर ऑसिकल्स, ये 6 होती है ना। अब ये कर्ण में तो पाई जाती है, लेकिन कर्ण में या कान में भी कौन से भाग में पाई जाती है, तो ये हमारे जो कान का मध्य वाला भाग है वहाँ पर पाई जाती है। तो एक कान में कितनी होती हैं, 3 होती है, तो इस प्रकार से दो कान में कितनी होगी, 6 होती हैं। अब ये भी कौन कौन सी हड्डी होती हैं, एक होती है मेलियस, इनकस और स्टिपीज। जो स्टिपीज होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है, हमारे पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, कान पर पाई जाती है, और उसका नाम क्या है, स्टिपीज। ये किसके जैसी होती है, आकार में घोड़े की नाल के जैसे होती है। इनके बारे में हम जब डिटेल से अध्ययन करेंगे तो हम इसमें कुछ पॉइंट जानेंगे कि इन अस्थियों के नाम और इनकी आकृति कैसी होती है और ये किन से रूपांतरित होती हैं। तो कौन कौन सी है, तो सबसे पहली अस्थि हमारी मेलियस, सेकंड इनकस और थर्ड है स्टिपीज। अब बात करें इनकी आकृति की, तो जो मेलियस है उसकी आकृति कैसी होती है, हैमर के आकार की या हथौड़ा के आकार की होती है। और ऐसे ही इनकस, अब इनकस की आकृति कैसी होती है, एनविल, एनविल मतलब निहाई। अब निहाई का मतलब क्या होता है, जो हंसिया होता है ना उसके आकार में होती है। ऐसे ही है स्टिपिस, अब स्टिपिस की जो आकृति होती है, स्टीरप, स्टीरप मतलब घोड़े की नाल, घोड़े की जो नाल की आकृति होती है वैसे ही किसकी आकृति होती है, स्टिपिस की होती है, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम पर। अब बात करें हम रूपांतरण की, रूपांतरण मतलब कि क्या, कि ये किस अस्थि से रूपांतरित होकर बनी है। तो हम बात करें मेलियस की, अब मेलियस किस अस्थि से रूपांतरित होकर बनी है, तो ये कौन सी हड्डी है, आर्टिकुलर बोन से निर्मित हुई है। ऐसे ही इनकस, अब इनकस कौन सी अस्थि से निर्मित हुई है, ये किसका रूपांतरित है, तो क्वाड्रेट बोन या क्वाड्रेट अस्थि का रूपांतरण है। और जो स्टिपीज है वो किसका रूपांतरण है, वो है हायोमैंडिबुलर बोन का या हायोमैंडिबुलर अस्थि का। तो इस प्रकार से थी हमारी रूपांतरित हुई हड्डी। ये हमारे जो मनुष्य का जो शरीर है, ठीक है, उसमें क्या हुआ है कि ये जो आर्टिकुलर बोन, क्वाड्रेट बोन और हायोमैंडिबुलर बोन है, ठीक है, ये क्या है कि ये रूपांतरित होकर इनके रूप में अस्थियों का निर्माण कर लिए, मेलियस, इनकस और स्टिपिस। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें अभी भी कौन सी अस्थियाँ पाई जाती हैं, ये वाली अस्थियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन सी, आर्टिकुलर बोन, क्वाड्रेट बोन और हायोमैंडिबुलर बोन। अब इसको हम एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, तो हमारी ट्रिक है मिस हस अरे क्या हुआ, तो यहाँ से मिस से एम से मेलियस, आई से इनकस और एस से स्टिपीज, एच से हैमर, ए से एनविल, एस से स्टिरिप, अरे से क्या हुआ, आर्टिकुलर बोन, और क्यूस क्यूस क्या हुआ से, क्वाड्रेट बोन, और यहाँ पर हो जाएगी हायो मैंडिबुलर बोन। तो ये जो ट्रिक है वो हमें ट्रिक याद नहीं करनी है, मतलब कि ट्रिक याद होनी चाहिए वो अच्छा, सिर्फ इसके लिए कि जब ये याद हो तो इनके क्रम के लिए हमें ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है, बाकी तो ये हमें याद होने चाहिए, नेम याद करना जरूरी है, ये बिना ट्रिक के भी याद रहना चाहिए। और ट्रिक हम किसके लिए हैं, सिर्फ इनके सीक्वेंस के काम के लिए है। अब हम जानेंगे कि ये अस्थियाँ हैं तो इनके काम कार्य क्या है, तो इन अस्थियों के कार्य क्या होते हैं, कि ये जो अस्थियाँ होती है ये कंपन को बढ़ाती है, जिससे कि हमारे कानों में कोई भी आवाज़ जो होती है वो तीव्रता से पहुँच पाती है। अब हमारी लास्ट बोन क्या बची है, वो है हायोइड। अब ये हायोइड जो बोन है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो जो हमारी ग्रास नली होती है ना, ग्रास नली में हमारी क्या होती है,
जो थायमस ग्लैंड होती है उसके जस्ट पीछे होती है, इसे क्या बोलते हैं, थायराइड बोन। जो इसकी आकृति होती है वो कैसी होती है, यू शेप बोन, मतलब कि ये जो यू आकृति की होती है। और इसकी एक और खासियत है कि कैसी होती है, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो ये एकमात्र अस्थि है जो किसी दूसरी अस्थि से नहीं जुड़ती है। तो हमारे शरीर में क्या होता है कि जो हड्डी होती है वो किसी न किसी से एक दूसरे से अस्थियों के ऊपर अस्थि से जुड़ी होती है, लेकिन एकमात्र जो हाइड वन है वो किससे मतलब घिरी होती है, पेशियों के माध्यम से आसपास से घिरी होती है। तो इस प्रकार से हमने क्या अभी तक के क्या जाना, जो हमारा अच्छी कंकाल है, अच्छी कंकाल पे हमने खोपड़ी में जितनी भी हड्डियाँ होती हैं, टोटल कितनी हड्डी होती हैं, 29। तो 29 में हमने देखा कि क्रेनियल बोन्स के बारे में हमने डिटेल में जाना, फेसियल बोन के बारे में हमने डिटेल में जाना, और ईयर ओसिकल्स के बारे में जाना, और हाइड के बारे में जाना।